Disease affecting many people at the same place and time. Disease affecting many people at the same place and time. उसे कहते हैं epidemic, EPIDEMIC. Epidemic मतलब होता है संक्रामक रोग. A speech or a poem recited at the end of a play. A speech or a poem recited at the end of a play. इसका मतलब होता है epilogue. EPILOGUE. Epilogue मतलब होता है नाटक के बाद का भाषण. Part of story. Part of story मतलब होता है especially TV और radio show story. मतलब जो TV और radio पर show की जो story होती है उसे कहते हैं part of story. इसे कहते हैं episode. EPISODE. Episode मतलब होता है कड़ी या फिर कथांश. Happening only sometimes and irregularly. कहते हैं एपिसोडिक. EPISODIC. एपिसोडिक मतलब होता है कभी कभार होने वाली घटना. इसके बाद है अ लेटर. अ लेटर का मतलब होता है एपिस्टाइल. EPISTILE. एपिस्टाइल मतलब होता है धर्मपत्र या फिर काव्य पत्र. वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव. वर्ड्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव का मतलब होता है एपिटेफ. EPITAPH. एपिटेफ मतलब होता है कब्र पर इंगित शब्द. एडजेक्टिव एडेड टू अ पर्सन्स नेम यूजली टू क्रिटिसाइज और प्रेज हिम. से कहते हैं एपिथेट. EPITHET. एपिथेट मतलब होता है उपाधि विशेषक. अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अ परफेक्ट एग्जाम्पल मीन होता है एपिटोम. EPITOME. एपिटोम मतलब होता है सटीक उदाहरण. टू बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल इसका मतलब होता है एपिटोमाइज. EPITOMIZE. एपिटोमाइज मतलब होता है सटीक उदाहरण होना. कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर. कामनेस ऑफ माइंड एंड टेम्पर होता है इक्विनिमिटी. EQUANIMITY. इक्विनिमिटी मतलब होता है धैर्य. Lamborghini tak the launda phir gehriyan jariyan ni jandiyan frienda main to teriyan ve potta potta pinjya piya hae pinjya janda hai jivein ru ve dil tera kala mundiya ave chann to samat